देखिए, जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अगर आप मेहनत करते हैं तो पैसा आपके पास कितना है कितना नहीं, वो मायने नहीं रखता है। आपको मेहनत और सही गाइडेंस ही आपको सफलता के पद पर पहुँचा सकती है। और इसमें मैं आज जहाँ पर पहुँचा हूँ, इसमें स्कूल के जो भी प्रिंसिपल सर हैं, जो डायरेक्टर सर हैं, और भी जितने टीचर्स हैं, सबका बहुत सपोर्ट रहा है। वो भी कितना विद्यालय में सपोर्ट मिलता था, जो शिक्षक हैं उनके द्वारा बहुत सपोर्ट मिलता था विद्यालय में। हमेशा उनसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी गाइडेंस, कुछ भी पूछा जाता था तो सभी टीचर तो हमेशा तैयार रहते थे। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहते थे और सबको उतना ही समझाते थे। अभी बस ये रह गया कि कोई मेहनत कम किया, कोई ज़्यादा किया, स्कूल से तो फुल सपोर्ट रहा है। और कहते हैं, अगर इंसान के अंदर कुछ करने की ललक हो तो असंभव को भी संभव कर सकता है। नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। इस वक्त हम मौजूद है कुशीनगर जनपद में। बता दें कि कल CBSE बोर्ड का 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें जिले के बच्चे जो है क्षेत्र में जो है परचम ला रहे हुए हैं। बता दें कि इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनके परिवार में जो है जो खुशी है माला जो पहने हुए, बता दें कि वो अंकुश सिंह है, जो 10वीं में जो है 90% लाकर जो है इस क्षेत्र और विद्यालय का नाम जो है वो रोशन। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी, मेरा नाम अंकुश सिंह है, मैं सेमरा हरदोपट्टी गांव का निवासी हूं। मैं SP पब्लिक स्कूल गुरोलिया बाजार से पढ़ा हुआ हूं, कुशीनगर क्षेत्र में पड़ता है। और मैं अपने घर परिवारों के लिए और अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बहुत सपोर्ट से यहां तक आज पहुँच पाया हूं। अच्छा, आप SP पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे? जी हाँ, मैं SP पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। कौन से क्लास में थे? 10th में। कितना परसेंट आया? 90%। 90%। अच्छा, क्या कहेंगे, कैसे मतलब तैयारियाँ? जी, तैयारियाँ वही थी, रेगुलर क्लास करना और एक ऑनलाइन कोचिंग भी थी। और इसमें हमारे घर वालों का भी बहुत सहयोग रहा है और हमारे माननीय डायरेक्टर सर मिस्टर आदित्य विशाल पाठक सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो भी बहुत सहयोग करते थे स्कूल में। विद्यालय टॉप किए हैं हम, कितना मन में खुशी है? जी, खुशी तो बहुत है और मैं चाहता हूँ कि ये खुशी हर एक बच्चा अनुभव करे और वो मेहनत करे और वो भी आज इस मुकाम पर, जहाँ पर मैं हूँ, वो भी इस मुकाम पर पहुँचे। क्या पूछे थे कि मतलब हम जो है विद्यालय टॉप कर पाएंगे? जी, मैं पढ़ा तो था, इतना तो जानता था कि 85+ आएगा, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि स्कूल टॉप करूंगा। अच्छा, कैसे जब रिजल्ट आप चेक किए, जब देखे तो सबसे पहले किसको मतलब बताया? सबसे पहले मैं भैया के पास फ़ोन किया तो मेरे बताने से पहले ही वो देख लिए थे और वो भी बहुत खुश थे। CBSE बोर्ड में 90% लाना जो है अपने आप में काफ़ी थी है, लेकिन उसको भी जो है उसमें आप जो है अपना एक अच्छा खासा जो है स्थान बनाए हैं। कैसे आप पढ़ाई के लिए समय निकालते थे? जी, मेरे पास पूरा समय होता था पढ़ाई के लिए। मेरे घर वाले मुझे कोई काम करने को नहीं कहते थे, पूरा समय होता था पढ़ाई के लिए। और स्कूल में क्लास करने के बाद मुझे रोज़ शाम को 4 घंटे का ऑनलाइन कोचिंग भी लेना रहता था और उसके बाद स्कूल का होमवर्क और कोचिंग का होमवर्क, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, स्कूल में तो पूरा कंटिन्यू क्लास लेना ही रहता है डेली, और उसके बाद ऑनलाइन कोचिंग। आगे क्या सोचे हैं? आगे सोचे हैं नीट की तैयारी करना। नीट की तैयारी करते हैं, MBBS करेंगे और अपने कंट्री के लोगों को सपोर्ट। अच्छा अंकुश, CBSE बोर्ड से जो है आप 90% लाए हैं, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि पढ़ाई के लिए कैसे आप समय निकाल पाते थे? जी, पढ़ाई के लिए मैं समय निकालता था इसलिए क्योंकि मुझे कहीं और बाहर आना जाना नहीं होता था। मैं बाहर के खेलों में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखता था, बस अपने पढ़ाई पर ध्यान देता था, स्कूल की क्लासेस और वही ऑनलाइन क्लासेस। बाकी जो टीचर्स का सपोर्ट रहा और घर वालों का सपोर्ट रहा और अपनी मेहनत से मैं आज तक यहाँ पर पहुँचा। जैसे देखा जाता है कि मतलब जब छुट्टी होता है तो बच्चे जो है सबसे पहले बैग रखेंगे और खेलने निकल जाते थे, तो आप जब घर पर आते थे तो क्या? मैं पहले सबसे पहले बैग रखता था और उसके बाद आधे घंटे का एक छोटा सा नैप लेता था, फिर उसके बाद पढ़ने बैठता था और उसके बाद ही कुछ खाता था, तुरंत आते नहीं खाता था। मम्मी पापा कितना खुश हैं? मम्मी पापा बहुत खुश हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी घर वाले हैं, गांव वाले हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। स्कूल वाले, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, सभी लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, विद्यालय में भी देखा गया है आपको जो है सम्मानित किया गया है, कितना मतलब अंदर जो है एकदम बहुत खुशी हो रहा है। ये मेरे लिए पहला बार नहीं है, मैं 9th में भी टॉप किया था, लेकिन 9th में भी टॉप किया, 9th में भी टॉप किया था, लेकिन ये CBSE बोर्ड की जो फीलिंग है वो एक अलग ही है। 9th तो स्कूल लेवल होता था, ये बोर्ड लेवल की फीलिंग अलग है। आज प्रिंसिपल सर भी अवार्ड दिए हैं स्कूल में, तो देख पा रहे हैं ये अंकुश सिंह हैं जो 9th में भी टॉप किए थे और इस बार जो है CBSE बोर्ड के 10वीं में भी जो है 90% लाकर जो है इस गांव और क्षेत्र और विद्यालय का जो है नाम रोशन किया। उनके माता पिता भी हमारे पास है, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि बता दें कि इनके जो विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं आदित्य विशाल पाठक जी, उनके द्वारा भी जो है सम्मानित किया गया। क्यों?
उनके द्वारा भी सम्मानित किया गया और वो भी आए भी थे क्लास में, मिले भी थे, बहुत खुश थे। तो उनका आगे भी बहुत सपोर्ट है, कह रहे हैं आपको जहाँ तक पढ़ना है पढ़िए। अच्छा क्या सोचे हैं, क्या आगे क्या सोचे हैं? आगे सोचे हैं कि नीट करना है, MBBS करेंगे और उसके आगे स्पेशलाइजेशन करेंगे और अपने कंट्री के लोगों के लिए सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अंकुश सिंह का ये सोच है, नीट करेंगे, MBBS डॉक्टर बनेंगे, जिससे अपने गांव और इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी जो है एक सेवा करेंगे। इनके माता पिता हैं उनसे भी हम जान लेते हैं। आपके बेटे अंकुश जो हैं 90% लाए हैं, कितना मन में खुशी है? जी बहुत खुशी है। क्या कहेंगे, कैसे मतलब हमेशा जो है गाइडलाइंस देते थे? बहुत खुशी है, समय पूरा लड़का देता था पढ़ाई पे अपने, हम लोगों को कोई काम मतलब नहीं करना है कि ये करो वो करो, क्योंकि जिस गांव से है वो काफ़ी जो गांव गांव वाले ग्रामवासी भी सभी खुशी हैं, बधाइयां दे रहे हैं सुबह से, सब लोग खुशी हैं। और मैं इसमें स्कूल के प्रिंसिपल टीचर गण अध्यापक गण सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जैसे आप देख पाए थे ये अंकुश सिंह के पिताजी हैं जो मन में जो है काफी खुशी हैं, बता रहे हैं कि जब से रिजल्ट जब आया है तब से जो है गांव के लोगों में जो है काफी खुशी है कि इस क्षेत्र का जो है वो नाम रोशन किए हैं। एक दूसरे जो है लोग यहां पे जब से रिजल्ट आया है तब से जो है घर पे आके जो है बधाई दे रहे हैं। देखते रहिए आप न्यूज़ पॉइंट 24, मैं सोनू कुमार गुप्ता, कुशीनगर।